काफी चाहने वाले जो है उन्होंने ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है सुनील जी से जो आप पूछना चाहते हैं इस लाइव डिस्कशन के दौरान, तो वो आप पूछ सकते हैं, आप हमारे पास भेज सकते हैं उन सवालों को, हम सुनील जी से वो सारे सवाल जरूर पूछेंगे। और चलिए जब तक आपके सवाल आते हैं तब तक मैं एक काम करती हूँ, मैं सुनील जी से उनका सबसे पहला सवाल पूछ लेती हूँ। तो सुनील जी सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, कैसी आपकी परवरिश रही और कैसा आपका जीवन रहा? नमस्कार भारतवासियों, मैं जैसा कि रजनीश जी ने आपको भी मेरा नाम बताया, सुनील शर्मा भारतीय। सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को अपनी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम, जो भी आप लोगों का एक दूसरे को मुखातिब होने का तरीका रहता है उसी माध्यम से मैं भी आपको अभिवादन करता हूँ पेश। अब आते हैं रजनी जी आपके प्रश्न के ऊपर, मेरा जन्म कहाँ हुआ जी। मैं बेसिकली देलाइट हूँ, दिल्ली से हूँ, दिल्ली का ही हूँ, दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ, मेरी सारी स्कूलिंग दिल्ली से हुई। फिर उसके बाद मेरी टेक्निकल एजुकेशन जो कि 2 इयर्स का डिप्लोमा रहा था मशीन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में, वो भी दिल्ली में ही हुआ। और यहाँ तक मेरी एकेडमिक्स रहे और मेरा टेक्निकल एजुकेशन रहा। और 94 के बाद फिर मैं अपने करियर को बनाने में बिजी हो गया था, अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। शुरुआती जीवन हमारा बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, यूं कह सकते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उसके लिए भी हमें तरसना पड़ा। बट ठीक है, कुदरत ने हमारे लिए अगर वैसा पाथ चुना था उस समय तो था, कष्टदायक था, कष्टप्रद था ह्यूमन बीइंग और अपने आसपास के दोस्तों को मिलते को जब हम देखते थे कि हमें खाने पीने को लेकर और कपड़ों को लेकर भी समस्याएं रहती थी, तो मन में थोड़ा सा रहता था, दुखद भाव रहता था। लेकिन फिर परमात्मा ने कुछ चीजें हमें ऐसी भी बख्शी कि उन्होंने हमें कुछ एक क्रियाशीलता ज्यादा दी, कर्मठ जीवन भी दिया और अपने आप को एस्टेब्लिश करते करते आज अगर मैं कहूँ तो 94 से लेके आप आज का समय काउंट कर लीजिए, मोर देन 26 ईयर्स हो गए हैं मुझे अपने आप को इस सामाजिक जीवन में जीते हुए। और पिछले 2 साल 2.5 साल से आप कह सकते हैं कि मेरा राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ और आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से मुखातिब हूँ और पूरे भारत में और भारत से बाहर भी जहां जहां आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आप सभी को मैं फिर से अभिवादन और अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से आप सभी को दुआएं भी देता हूं कि आप इस महामारी के दौरान सभी लोग स्वस्थ रहें और अपना अपना ख्याल भी रखें। इतना ही है, बाकी अपने व्यक्ति के जीवन के बारे में हम आपसे फिर कभी बात करेंगे। आज हमारा मुद्दा है अखिल भारतीय परिवार पार्टी, इसी के विषय में बात करेंगे हम। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आपके जो जीवन में उतार चढ़ाव रहे, काफी आपको बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, तो सुनील जी इस बारे में तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जिसने अपने, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर काफी लोगों को ऐसी परेशानियां हैं, आज भी इस सदी में भी काफी ज्यादा परेशानियां हैं, काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी जिन्होंने अपने खुद की जिंदगी में, अपने जीवन में इतने कष्ट देखे हैं, इतने इतनी परेशानियां देखी और उन सब से उभर कर आप यहाँ पर आज हमसे बात कर रहे हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो कहीं ना कहीं आप में जरूर वो जज्बा रहा होगा और साथ ही साथ आप एक अच्छे लीडर के रूप में जरूर उभरे होंगे, तभी आज यहाँ पर आप हैं। और कहीं ना कहीं देश में मैं कहूंगी कि देश के डेवलपमेंट में या लोगों को और ज्यादा आगे बढ़ाने में आप योगदान जो है वो काफी रहेगा, क्योंकि आपने जो चीजें देखी है वही देश की काफी अभी हालात हैं, तो आप जो है वो समझ सकते हैं कि देश किस दौर से गुजर रहा है और क्या चाहिए देशवासियों को असल में। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि आप एकदम सही इंसान है इस चीज के लिए। और बाकी हम आपकी पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं सबसे पहले, तो पहले मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो ये है वो क्या है और क्यों है सबसे पहले? रजनी जी मैं आपको बताता हूं कि बात तो बिल्कुल सही है और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के ऊपर भी मैं आता हूं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन राजनीति में यदि दूं तो मैं हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के जो संस्थापक हम सभी के राजनीतिक गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, जो इस समय भारत के एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर हैं और जिनका पिछले 14 साल का
जो अपना अनुभव रहा है वो राजनीति के कई दिग्गजों को ट्रेनिंग देने का, उनके लिए काम करने का, उनके लिए स्ट्रेटजीज बनाने का रहा है। और ये उन्हीं का सपना था कि अखंड भारत का पुनः निर्माण करना, सम्राट अशोका के समय का पुनर्निर्माण करना, वो सपना उन्होंने बहुत अरसा पहले देखा था, उसी दिशा में वे कार्य कर रहे थे। तो पहले वे लगे रहे लोगों को ट्रेनिंग देने में कि वो अलग अलग पार्टीज में जाके उनके इस सपने को पूरा कर पाएंगे, लेकिन जब 12-13 साल के करीब जब उनको इस बात का अनुभव और एहसास हो गया कि लोग उनके पास आते हैं और सिर्फ कुछ ट्रेनिंग देते हैं और जाके वो उसी राजनीति के मैं गलत शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन आज राजनीति की जो परिभाषा और जो राजनीति की स्थिति हमारे देश में है वो दलदल समान ही हो चुकी है। तो राजनीति के दलदल में चले जाते थे और जाके उसी प्रकार से आचरण करते थे जिस प्रकार का आचरण उनकी पार्टियों के शीर्ष पदस्थ नेता भी करते थे, तो ये उनको काफी खटकता था अंदर। अच्छा, तो मेरा उनके साथ इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, और हाँ इसमें एक बात और कहूंगा कि हमारे गुरुजी हमारे हमेशा एक बात कहा करते हैं कि नियति अपना नेता स्वयं चुनती है, नेता अपनी नियति कभी नहीं चुन सकता। तो उसी दौरान उन्हीं के कथनानुसार और उनकी इस बात के अनुसार शायद ऐसा रहा कि हमारा और उनका मिलन होता है। एक फेसबुक पर एड देखी, फेसबुक के ऊपर एड कैंपेन। सुनील जी आपका मैं बताना चाहूंगी, आप म्यूट पर चले गए हैं शायद, आपका जो वीडियो है वो म्यूट पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे सुनील जी जो है वो म्यूट। सुनील जी आपका, जी आपसे मैं कहूंगी कि आप प्लीज जो आपने कहा अभी तक वो दोबारा दोहराइए, आप म्यूट पर चले गए थे। जी बताइए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि वहां तक तो आपको सुन लिया होगा आपने कि नियति अपना नेता स्वयं चुनती है और नेता अपनी नियति स्वयं नहीं चुनता। तो उसी सफर के दौरान हाँ मैंने फेसबुक का एड देखा, तो उत्सुकतावश क्यूरियोसिटी, और चूंकि दिल्ली का हूँ तो तर्क शक्ति तो रहती ही है, तो एड में मैंने देखा कि ऐसा कौन आ गया अभी जो राजनीति की ट्रेनिंग देने लग पड़ा। और चूंकि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट उस समय का ऐसा था कि ऐसा लगता था कि राजनेता तो पैदा होते हैं, राजनेता कोई बनता नहीं है, या नेता पैदा होता है नेता बनता नहीं है। तो वो मेरी उत्सुकता मुझे वहां खींच के ले गई और 2.5-3 घंटे का एक सेशन था, एंड दैट डे वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, और मैं एक राजनीतिक जीवन में उतरा। लेकिन मैंने चांस लिया, क्योंकि दिल्ली वाले हैं ना, हम परखते हैं हर चीज को अपनी तर्क के कसौटी पर परखते हैं। तो उस समय कुछ एक ऐसा लगा उन शाहनवाज चौधरी भारती जी को सुन के कि यार चांस लेते हैं, देखना चाहिए कि क्या है आगे, क्या कह रहे हैं अखंड भारत मिशन, क्या है, कैसे हो सकता है, क्या मेरे जैसा एक साधारण आदमी जो एक मैकेनिकल साइड से आता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज देता है और जिसने हार्डशिप देखी है, क्या वो भी राजनीति में आ सकता है, क्या वो भी राजनीति कर सकता है। मैंने खुद को एक चांस दिया और वो जो ऑडिशन था, इंटरव्यू और ऑडिशन हुआ था हमारा, वो था IPL में, IPL यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप 2006 से ही राजनीति में आने वाले कई सारे योद्धाओं को कह लें, नेताओं को कह लें, और जो एस्टेब्लिश्ड नेतागण है उन लोगों को ट्रेनिंग देता रहा है, उनके लिए स्ट्रेटजीज बनाता था। तो इस प्रकार से मेरा IPL के साथ एक साक्षात्कार होता है और उसका मेरा पदार्पण भी होता है उसके अंदर। और मैं खुद को एक चांस देता हूँ कि जब तक अंदर हम जाएंगे नहीं पता लगेगा कैसे, क्योंकि एक पुराना मुहावरा भी आप लोगों ने या दोहे आपने सुने होंगे, तो हमारी भारतीय संस्कृति में ये बहुत प्रचलन में है, और वो एक दोहा है कि मैं रिकॉल करता हूं कि माफी चाहूंगा मेरे इस समय जहन से उतर गया है, अभी आएगा दोबारा तो मैं बताता हूँ। तो फिर भी मैंने अपने साथ एक चांस लिया और मैं उसे एंटर कर लिया, और 2 साल की ट्रेनिंग थी, वो अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग होनी थी। तो ट्रेनिंग करते करते एक साल जब बीत गया, तो बड़े सारे हमारे अलग अलग देश के राज्यों से, देश के अलग अलग राज्यों से जो लीडर्स आते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, उनके साथ मिलना जुलना शुरू हुआ, देश की संस्कृति का भी पता लगा, लोगों के जीवन का स्तर भी पता लगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली मेरे जैसे ही लोग थे, या परमात्मा की कृपा से मेरा स्तर तो काफी ऊंचा हो चुका है, और उससे भी कई निचले स्तर के, जो आमदनी के हिसाब से यदि मैं कहूँ, और अपने दैनिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपने आर्थिक जीवन में मेरी दशा ठीक थी। तो वो लोग आए, उनके साथ मिलना जुलना हुआ, बातचीत हुई, तो पता लगा। लेकिन वैचारिक रूप से और बौद्धिक रूप से सभी लोग बहुत सक्षम थे, और ये वो चीज होती है, बौद्धिक स्तर और वैचारिक स्तर ये परमात्मा देता है आपको, ये खुदा देता है, ये भगवान, ये अल्लाह, ये वाहेगुरु देता है।
क्योंकि जो बुद्धिमता है ना वो खरीदी नहीं जा सकती, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, सुख सुविधाओं से भी नहीं आती। तो फिर जब उनसे विचार बने, हम लोगों के आपसी विचारों का आदान प्रदान भी हुआ, तो फिर उन चर्चाओं में ये निकल के आया कि देश की राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से देश की सामाजिक और आर्थिक दशा जो है ना बहुत ही शोचनीय हो चुकी है, बहुत ही शोचनीय हो चुकी है और बहुत ही दयनीय भी हो रही है। और चूंकि किया तो किया क्या जाए, एक कसक थी एक मन में, एक एक घुटन, एक बेबसी, एक बेकसी, ऐसी भावनाओं के साथ मैं भी था और बड़े सारे हमारे सारे और लीडर्स भी थे। कुछ लीडर्स होते जो एस्टेब्लिश पार्टी से आए थे, फिर वहां से पास होके वो कोई भाजपा में भी चला गया, कोई कांग्रेस में भी चला गया और कोई क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर भी चला गया। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे रह गए थे जिनको ये सभी के सभी क्षेत्रीय दल या दो मेन सत्ताधारी दल कांग्रेस और भाजपा, जिन्होंने पिछले 73 सालों में देश का दोहन ही किया है। हम यदि कहें कि हमारे भारत में संभावनाएं बहुत हैं, हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु दोबारा बन सकते हैं, लेकिन इस दिशा में सही काम किए नहीं गए, तो फिर ऐसे हमारे जो विचार थे उन विचारों ने एक नए संगठन का निर्माण किया और उस संगठन का नाम हुआ अखिल भारतीय परिवार। अखिल भारतीय परिवार का काम यही था कि अलग अलग प्रतिभाओं को, राजनीतिक प्रतिभाओं वाले लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनको तराशा जाए। और ये सारा काम हमारे सभी के राजनीतिक गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के सानिध्य में, उन्हीं की ट्रेनिंग में, उन्हीं के द्वारा डिजाइन किए हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के तहत होता था और बहुत ही चरणबद्ध और तरीके से होता रहा। तो इस तरीके से संगठन एक बना और ये तय किया गया कि संगठन से लोग जाएंगे दूसरी पार्टियों के अंदर जाके अपने इस ट्रेनिंग को यूज करेंगे और भारत को पुनः वो दर्जा, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कराएंगे। क्योंकि हमारे गुरु जी का मिशन और सपना तो वही था कि अखंड भारत का पुनर्निर्माण करना। लेकिन अगेन ठगे गए, क्योंकि नेता लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके तो चले जाते थे, लेकिन वहां पर जाके फिर से उनके ऊपर वही पुरानी कालिक कालुषता उन्हीं के ऊपर आ जाती थी, तो वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो फिर उन हमारे कुछ लीडर्स का ये फैसला हुआ कि अब बहुत हो गया इनसे उम्मीद करना, ये मौजूदा राजनीतिक दलों से उम्मीद करना कि देश में कुछ बदलाव लाएंगे। तो फिर कुछ हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे वो लोग जो आज से 100-150 साल पहले भी भारत में थे, जिनका नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है और युगो युगांतर लिखा जाएगा, जिनमें सबसे पहले मैं अगर नाम लूं तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल और भी ना जाने कितने लोग, ऐसे लोग जिन्होंने उस एक बुलंद भारत का सपना देखा था, लेकिन 1947 के बाद भी वैसा हुआ नहीं। तो वो इतने जो महान शख्सियतें हुई है ना, जिन्होंने अपना शहादत दी इस देश के लिए, ये लोगों का ना सिर्फ शरीर खत्म हुआ, जिस्म खत्म हुआ, इनकी जो सोच थी और जो इनकी आत्मा थी वो कई कई लाखों करोड़ों के कणों में बट के पूरे देश में व्याप्त हो गई, पूरे देश को छोड़िए विश्व में भी व्याप्त हो गई और वो हमारे और आपके बीच में भी है, लेकिन कईयों के बीच में सुषुप्त अवस्था में है, हमारे में भी थी। जगाया गया, झकझोरा गया अगेन हमारे सभी के राजनीतिक गुरु द्वारा, हमें समझ आया और समाज को हम अच्छी दिशा और दशा कैसे दे सकते हैं जब तक हम राजनीति में अपना पदार्पण नहीं करेंगे और सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंचेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से अखिल भारतीय परिवार पार्टी का गठन होता है। पहले अखिल भारतीय परिवार था जो कि एक संगठन था, जब चोट लगती है, उम्मीदें टूटती हैं, तो फिर से आगे आना पड़ता है, क्योंकि हमारे गुरु जी हमें एक बात और भी सिखाते हैं, आपके लक्ष्य सही होने चाहिए, रास्ते अगर ना आपको वहां पहुंचाए तो रास्ते बदले भी जा सकते हैं, रास्ते बदलने भी चाहिए। तो इस प्रकार से अखिल भारतीय परिवार पार्टी का गठन होता है और औपचारिक रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दिसंबर 2019 में हमें पंजीकृत कर दिया गया और हमारा पूर्ण राजनीतिक दल यथार्थ तरीके से आज मौजूद है और हम लोग अपना मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा मिशन वही है, अखंड भारत का पुनर्निर्माण करना, और इसके ऊपर हम अभी आएंगे। तो इस तरीके से तो हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी का गठन हुआ, क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया जी। अब आप पूछें, मतलब आपको बहुत बहुत बधाई पहले जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपका जो लक्ष्य है वो तो मैं कहूंगी एक बहुत ही खूबसूरत जो शब्द है वो इस लक्ष्य के लिए बना है, क्योंकि अखंड भारत जो आपका जो लक्ष्य है, आपकी पार्टी का जो लक्ष्य है, बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत चीज है, क्योंकि
आजकल के आजकल पॉलिटिक्स में या राजनीति में जो सारी चीजें चल रही हैं, आपको आपको ज्यादा पता होगा अच्छे से, यू नो, कि कितना ज्यादा क्या कुछ चल रहा है. तो ऐसे में ये जो लक्ष्य है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपको और आपके सारे जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं उन सबको, कि आप इतनी अच्छी लक्ष्य की तरफ अपने यू नो कदम बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं. तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई. और मैं चाहूंगी कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो और हम एक दिन इस अखंड भारत को सब मिलकर देख सके और सब सब लोग मिलकर इसकी खुशियां मना सके. बिल्कुल देखेंगे. अच्छा, और तो अगला सवाल आपसे ये है कि जी, मैं आपको बस एक लाइन और कह दूंगा, ये अखंड भारत का सपना हमने देखा है और हम इसे अपने जीवन काल में पूरा करेंगे. हम कमिटेड हैं और हम कन्विक्शन के साथ ये बोलते हैं और हमारे साथ लाखों लाख लोग जुड़ रहे हैं और अब हमें लगता है कि ये सपना हमारे टारगेट टाइम से बहुत जल्दी पूरा होगा, पहले पूरा हो जाएगा. जी, अब आप अपना अगला सवाल. क्या बात है, क्या बात है जी. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो पार्टी है अखिल भारतीय परिवार पार्टी, इसकी विचारधारा क्या, किस विचारधारा पे आप चलते हैं? और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि आपका जो सपना है वो आपके जीवन काल में ही आप पूरा करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहा कि जल्द पूरा रहेगा. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो आत्मविश्वास आपके अंदर है, तो क्या आपके जो गुरु है वो आपको ऐसा कहते हैं, या क्या आपकी विचारधारा है आपकी पार्टी की, और क्या जज्बा है आपके अंदर की? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. दोस्तों, लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज है, नेटवर्क इश्यूज है और हो गई जी, है, आप, हम दोबारा. हाँ रजनी जी, बताइए. हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों का जज्बा इतना बड़ा क्यों है और इतना ऊर्जा से ओतप्रोत क्यों है. हेलो जी, आप बताइए. हाँ, मैं बताता हूँ मैडम आपको. सबसे पहले रजनी जी, कि हमारे गुरु जो इस 21वीं सदी के चाणक्य का खिताब भी हम लोग उनको देते हैं और बहुत से लोग देते हैं, सिर्फ अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लोग ही उनको 21वीं सदी का चाणक्य. नहीं कहते, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से उनके ऐसे शिष्य हैं जो उनसे ट्रेनिंग लेके अलग अलग राजनीतिक दलों में अपना अपना काम कर रहे हैं, वो भी उनको 21वीं सदी का चाणक्य कहते हैं. हालांकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले लगभग 2-4-5 सालों में चाणक्य की परिभाषा बदल दी गई है, और उसमें मैं ये करेक्ट कर देता हूँ कि चाणक्य वो नहीं होता जो किसी को कुछ 100 करोड़ देके, कुछ 50 करोड़ देके, कुछ 1000 करोड़ देके किसी के राजनीतिक दलों के नेताओं को खरीद ले और अपने पास लेके आ जाए. उसको चाणक्य नहीं कहते, उसको सत्ता का दलाल कहा जाता है. हम अपने गुरु को चाणक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे श्रद्धेय, हमारे पूजनीय गुरु शाहनवाज चौधरी जी भारतीय, इनके जो गुरु हैं वो सभी के गुरु हैं और वो है गुरु चाणक्य. गुरु चाणक्य के नाम पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा पूरे भारतवर्ष में जो उनको कमतर आंक सके या उनकी कही हुई बातों और उनकी लिखी हुई बातों को कम बता सके. तो हमारे गुरु के गुरु, जिनका 2000 साल पहले लिखा गया कौटिल्य शास्त्र, जिसके अंदर समाज, अर्थ और धर्म तीनों दिशाओं में, तीनों विषयों पे बृहद और विस्तृत ज्ञान दिया गया है, तो उसका सारा अध्ययन हमारे गुरु शाहनवाज चौधरी जी ने किया हुआ है जी. और देखिए, लीगेसी ना ट्रांसफर होती है. हमारे भारतीय संस्कृति की जो पुरानी परंपरा रही थी, गुरुकुल परंपरा, बहुत बेहतरीन परंपरा थी. जब तक गुरुकुल परंपरा हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में थी, तब तक बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से भी हम सक्षम थे. फिर विदेशी आक्रांताओं का जब आक्रमण होते रहे और लगातार होते रहे, तो उन्होंने ये देखा कि इनके अंदर ऐसा है क्या कि इनको जितना लूटो, जितना बर्बाद करो, जितना तबाह करो, ये फिर से खड़े हो जाते हैं.
तो फिर ब्रिटिशर्स के टाइम में लॉर्ड मैकाउले आया, जब उसने पूरा भ्रमण किया था पूरे भारत का, तो उसने देखा था कि इनका एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, जब तक उसको नहीं तोड़ा जाएगा, उसको खत्म नहीं किया जाएगा, इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम तोड़ा, हमारी गुरुकुल पद्धति को तोड़ा, हमारी गुरुकुल परंपरा को तोड़ा, उसका नतीजा ये हुआ कि भारत कई सौ साल तक गुलाम रहा। और जोश, उत्साह, जज्बा, ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा है, उनका ज्ञान जो कि शाश्वत है, जो कि सत्य है, क्योंकि सत्य की एक अलग ही चमक होती है। शोर झूठ ज्यादा मचाता है, झूठ जो है वो शोर ज्यादा मचाता है, सत्य अपना निरंतर चलता रहता है, अपना काम करता रहता है, और सत्य की चमक अलग ही होती है, उसको पॉलिश करने की जरूरत नहीं होती, उसको मीडिया की लाइमलाइट की जरूरत नहीं होती, उसको मेकअप की जरूरत नहीं होती, सत्य तो सत्य ही है, वो चमकता है, और जिसके अंदर सत्य का वास होता है उसकी आवाज में बुलंदी होती है, उसके इरादों में भी बुलंदी होती है। तो ये सारा हमें जो भी मिलता है ज्ञान और ऊर्जा के स्रोत, हमारे गुरुदेव, हमारे राजनीति के चाणक्य श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी हैं, और उसके साथ हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधारा। अब मैं आपको अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधारा के विषय में बता देता हूं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधारा ये है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी गांधीवादी विचारों पर चलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान को मानते हुए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों को साकार करते हुए सम्राट अशोक के समय के भारत का पुनर्निर्माण करेंगे, जिसमें जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जहां समानता की बात होगी, जहां एकता की बात होगी और जहां अखंडता की बात होगी, और सरदार पटेल के सपनों का धर्मनिरपेक्ष संयुक्त भारत संघ होगा। ये है हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधारा। और हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की विचारधारा के साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जिस भी व्यक्ति को हमारे साथ, हमारी पार्टी में, हमारी इस राजनीतिक क्रांति में, मैं इसे राजनीतिक क्रांति क्यों बोल रहा हूँ ये भी अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में, इस क्रांति का जिसे भी हिस्सा बनना होता है उसे हमारे साथ जुड़ने से पहले भारतीयता की शपथ लेनी होती है। और भारतीयता की शपथ है क्या, हम इसके लिए कोई खास काम नहीं करवाते, व्यक्ति को बोलते हैं कि आप अपने दिल पर हाथ रखिए, क्योंकि दिल की आवाज सच्ची आवाज, और हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में कहा जाता है ना कि रब बसता है दिल अंदर, यानी परमात्मा बसता है दिल के अंदर, दिमाग के अंदर तो शैतान भी बसता है, शैतानी विचार अक्सर यहाँ से आते हैं। और कहते हैं ना कि मन की आवाज सुनिए, दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि पहली आवाज ही दिल की और मन की आवाज होती है, और पहली आवाज मैं ये मान के चलता हूँ कि ईश्वर की आवाज होती है, उसके बाद जो आता है हाँ शैतानी आवाज भी काफी मिक्सर हो जाता है। और हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की शपथ, और सॉरी अखिल भारतीयता की शपथ ये कहती है कि हम भारतीय होने के नाते, भारत के रहने वाले और भारत में पैदा हुए किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, और कोई दूसरा करेगा तो उसको करने भी नहीं देंगे, तथा संविधान के सभी नियमों और उपनियमों का पालन करेंगे, और संविधान में अपनी पूरी आस्था रखते हुए भारतीयता का निर्वहन करेंगे। और दिल पे हाथ रख के शपथ जब सबसे करवाई जाती है तो फिर रिस्क उसका हो जाता है कि यदि शपथ उसने झूठी ली है तो वो उसका जाने और उसका भगवान जाने। और ये भारतीयता की शपथ मैं आप सभी लोगों के साथ ना साझा भी करना चाहता हूँ। तो हमने आजकल, अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, जो कि हमारी वेबसाइट है www.abpp.in, वहां पर जाके भी भारतीयता के आप ध्वजवाहक बन सकते हैं, यानी भारतीयता की शपथ लें और उसका प्रसार करें, लोगों को भी बताएं। और वो भारतीयता की शपथ हमारी इस तरीके की रहती है, ये आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था वही है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा, मैं भारत के संविधान का सम्मान, और अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय तैयार हूं, इस प्रकार से मुझे शपथ दिलाते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, मेरा इंट्रोडक्शन दिया भी, सुनील शर्मा भारतीय, हमारे गुरु, हमारी पार्टी के संस्थापक शाहनवाज चौधरी भारतीय, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमोल मडामे भारतीय, जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो हमारी पार्टी के अंदर आपको जितने भी पदाधिकारी मिलेंगे और लोकसभा प्रभारी जो कल को लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, या कोई भी कार्यकर्ता जो भी मिलेगा, उसके नाम के साथ भारतीय लगा होगा। और यहाँ पर हमने एक प्रेशर भी नहीं रखा होगा कि यदि आप गैजेट कराना चाहें, डॉक्यूमेंट्स अपने दस्तावेजों के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन भारतीयता के नाम पर दीजिए।
भारतीय के नाम पे दीजिए, और इसका करने के पीछे एक उद्देश्य भी है और बहुत गहरा बहुत लंबा है, क्योंकि हमारा भारत ना बटा रहा कभी धर्म के नाम पर, धर्म से हटे तो फिर जाति के नाम पर, जातियों से हटे फिर उसके बाद लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे। आप देश से बाहर जाइए, भारत से बाहर जाइए, कोई भी व्यक्ति आपको अमेरिका में जाइए तो आपने आपको अमेरिकन कहता है, चाइना में जाता रहता हूँ मेरा बिजनेस के सिलसिले में तो वहां सब चाइनीज है, वहां पे कोई धर्म का कोई लिंग का तो भेदभाव है ही नहीं वहां पर। हमारे यहाँ तो आपको भी पता है कि भ्रूण हत्याएं कितनी होती हैं, तो ये भेदभाव जब तक हमारे देश में समाप्त नहीं होंगे हम उस परम वैभव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो आपकी पार्टी की और आपकी जो विचारधारा है वो आप यूं ही चलते रहें और अपने इस सपने को जरूर पूरा करें, क्योंकि आजकल भारत में खासकर जो आपने बताया कि किस तरीके से भेद करके, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके, किस तरीके से कितनी ज्यादा परेशानी जो है वो बढ़ रही है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा जो आपका लक्ष्य है वो है, और मैं आपको फिर से एक बार बधाई दूंगी, फिर से आपको शुभकामनाएं दूंगी, और इसी के साथ मैं आपको आपके कुछ बहुत ही चाहने वाले जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके काफी ज्यादा यहाँ पे हमें मैसेजेस और कमेंट्स आए हैं, तो मैं पढ़ना चाहूंगी। तो उदय कुमार सिंह भारतीय जी कहते हैं कि निश्चित रूप से सुनील जी को बहुत बहुत बधाई अपनी बात रखने के लिए। साथ ही हर्ष माधवी सहाय भारतीय जी कहते हैं कि हमारी एनर्जेटिक स्मार्ट इंटेलिजेंट अखिल भारतीय परिवार पार्टी की योद्धा दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट श्री सुनील शर्मा भारती जी को बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और साथ ही जय रूट भारतीय कहते हैं जय हिंद जय भारत सर जी, आज आ गए हम छा गए हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब वो जोश जो है ना, जोश तो मैडम वो जो आपकी बातों में जोश है वो कमेंट सेक्शन में भी जोश है, तो मतलब काफी एक स्लोगन भी है। अगर आप कभी हमारी पार्टी की वेबसाइट को विजिट करें, हमारे नेताओं से जब आप मिलेंगे ना, तो हमारा एक स्लोगन भी है, आते जाते हम कहते रहते हैं कि आ रहे हैं हम छा रहे हैं हम, क्योंकि धीरे 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 ये भारतीयता का नशा, ये जो भारतीयता का नशा है ना, जिसने इस भारतीयता का स्वाद चख लिया उसे फिर कोई रोक नहीं पाएगा, और ये चेहरे के ऊपर ओज मेरे ही नहीं लाखों नेताओं के अंदर आपको दिखेगा, और इसी का हमें प्रसार करना है। बहुत हो गया खंड खंड में बंटना, कब तक बटे रहेंगे, फिर से गुलाम बनना है क्या? यही हमें जागरूक करना है लोगों को, और ये हम कर रहे हैं। और मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, जिम्मेदारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष की, इसे निभाएंगे, और हमारे यहाँ सभी व्यक्ति आपको, सभी लीडर्स जो आपको एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर ही दिखाई देंगे। बिल्कुल, एक तो आपकी पार्टी की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि आपके अंदर भारत को लेकर जो प्रेम है वो बहुत बहुत उम्दा और बहुत खूबसूरत है, जो कि हमें आजकल यू नो बहुत ज्यादा लोग अलग 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 पार्टीज में जाकर किसी का कोई मुद्दा है, किसी का कोई मुद्दा है, कोई किसी उसमें आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी उसमें आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन एक जो अपने देश के लिए प्रेम है, वो जो देश प्रेम है, वो जो पेट्रोटिज्म है, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं दिखता और पार्टीज में, लेकिन आपकी पार्टी में यू नो ये सबसे खूबसूरत बात है। तो चलिए अपने अगले सवाल की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ कौन जुड़ सकता है और उसके मानदंड क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण सवाल है, और एक कॉमन है, ये FAQs कैटेगरी में आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ कौन जुड़ सकता है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ भारत का हर बाशिंदा जुड़ सकता है जो कम से कम 21 साल का हो, और सबसे पहली शर्त मैंने जो आपको बताई थी ना, हमारी शर्त यही होती है कि भारतीयता की शपथ, जो भी भारतीयता की शपथ लेगा और भारत भारतीय और भारतीयता की बात करेगा वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ सकता है, और दूसरी पार्टी के अंदर जो विषाक्त विचारधाराएं हैं उनको छोड़ के आना पड़ता है उसको। हमारे पास ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो दूसरी पार्टियों से निकल के तंग होके कांग्रेस से भाजपा से ये सभी लोग निकल के आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, लेकिन कंडीशन पहली रहती है कि आप बाकी पार्टियों के विचार और बाकी पार्टियों की विचारधारा बाहर ही छोड़ के आइएगा, क्योंकि ये एक राजनीतिक क्रांति है। और राजनीतिक क्रांति हम इसे क्यों कह रहे हैं, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि ये बार बार मेरे मुंह से शब्द निकलेगा और मेरे कुछ श्रोतागण जो नए हैं उनको समझने में आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों भारतवासियों, मेरे मित्रों, सभी के लिए एक संदेश है मेरी तरफ से कि हम इसे
भारत की और 21वीं सदी की राजनीतिक क्रांति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक आप इतिहास उठा के देखिएगा, और इसमें एक बात और हमारे गुरु जी हमें बार बार बताया करते हैं और हम सभी लीडर्स उसका पालन भी करते हैं कि जिन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है ना, वो इतिहास बदल भी नहीं सकते। तो यदि आपको इतिहास बदलना है तो आपको इतिहास पढ़ना भी पड़ेगा, और पढ़ना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो अब इसमें यहाँ बात आती है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जो विचारधारा और इसका जो पदार्पण हुआ है, और ये 21वीं सदी की राजनीतिक क्रांति क्यों है, वो इसलिए है कि भारत की जितनी भी क्रांतियां हुई आज तक, पहले क्रांतियां हुई लोग जुड़े किसी एक विचार के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ, और उसके साथ लोग जुड़ते चले गए। लेकिन उसके बाद लेटेस्ट एग्जाम्पल में अगर यदि दिल्ली का लेके चलूं, 2011 में जो क्रांति हुई थी, अन्ना आंदोलन हुआ था, उसका नतीजा सबने देखा, लोगों ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी, विदेशों से लोग आ गए, विदेशों से जो लोग आए थे ना वो भारतीय मूल के थे, जो भारत छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर अवसर नहीं मिलते करने के काम, तो वो वहां जाते हैं, वो भी छोड़ के आए थे क्योंकि उनको कुछ लगा था कि भारत के अंदर एक नई क्रांति का उदय हुआ है, लेकिन वो फेल हुई, पर्पस डिफीट हुआ, क्षेत्रीय दल बन के रह गया वो, उससे जिस पार्टी का गठन हुआ। क्योंकि जब आप क्रांति से निकल के आते हैं ना कुछ लोग, और फिर यदि वो राजनीति दल के रूप में सामने आते हैं, और फिर वो उसी परिपाटी के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं जो ऑलरेडी बनी हुई एस्टेब्लिश पार्टीज करती हैं, तो लोगों का मोह भंग होता है, लोगों की उम्मीदें टूटती हैं, लोगों का दिलों के ऊपर जख्म भी लगते हैं, क्योंकि लोग दिल से जुड़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले हम आपने क्या पूछा, मैंने कहा कि जब कुछ ऐसा कुछ टूटता है तो इंसान का जो एक बहुत जो सपना देखता है, एक संजोता है सपना, तो वो टूटता है तो उससे बहुत जख्म लगता है, वो बात। हाँ, तो हम लोग, हाँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको कंप्लीट कर देता हूँ कि हम लोगों का मिशन, हम लोगों को पता है हमें करना क्या है, अखंड भारत का निर्माण करना है। लेकिन अखंड भारत का निर्माण करने से पहले, सबसे पहले भारत को अंदर से तीन दृष्टिकोण से इसको मजबूत करना पड़ेगा, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। और यहाँ पर भी गुरुओं के गुरु, राजनीति के गुरु आचार्य चाणक्य, और उनकी कही हुई बातें हमें हमारे गुरु द्वारा प्राप्त होती हैं। उनका कहना है कि जब तक धर्म ठीक नहीं होगा, अर्थ ठीक नहीं होगा, और जब तक अर्थ ठीक नहीं होगा धर्म भी ठीक नहीं होगा, जब तक धर्म ठीक नहीं होगा समाज भी ठीक नहीं होगा। अर्थ का अभिप्राय यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से है, आपकी आर्थिक स्थिति से है। आज आप देख लीजिए हमारे भारत में आर्थिक स्थिति लोगों की कैसी है। तो सबसे पहले हम लोग लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। हमारी पार्टी के अंदर जो भी व्यक्ति जुड़ता है, लीडर के तौर पे जुड़े या हमारी पार्टी के सदस्य के तौर पे जुड़े, तो सबसे पहले तो उनको आर्थिक रूप से मजबूत होने की अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले अपने वो व्यक्ति के जीवन में अपने फाइनेंसिस को, अपनी अर्थदशा को सही कर ले। जब तक स्वयं की स्थिति सही नहीं होगी आप समाज की स्थिति सही नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम अंदर से समाज से, समाज के रूप में एक मजबूत शक्ति नहीं होंगे तब तक हम देश के, दूसरे देश के लोगों को अपने पास बुला नहीं सकेंगे, उनको बोल नहीं सकेंगे। तो इसी के लिए हमने सबसे पहले एक राजनीतिक दल का निर्माण भी, गठन भी इसीलिए किया गया कि परिवर्तन तो ऊपर से ही आएगा, संसद से ही आएगा। जब तक वहां पर जाके सही नीयत वाले नेता नहीं बैठेंगे, वो सही पॉलिसीज का निर्माण नहीं करेंगे, देश की जनता का भला हो नहीं सकता। और जब तक देश अंदर से मजबूत नहीं होगा आप बाहर से क्या कर लेंगे, आप दूसरे लोगों को अपनी छत्रछाया में नहीं ले पाएंगे। तो चरणबद्ध तरीके से और बड़े सलीके से लोग हमारे पास आ रहे हैं जिन्होंने पदाधिकारी बनना है पार्टी के अंदर, या जिन्होंने आगे चलकर लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ना है। और हमारे सफर की शुरुआत 2024 से होगी, उससे पहले कोई इलेक्शन हम लोग फाइट करने वाले नहीं है। और 2024 के बाद राज्य स्तर के हो, राज्य के बाद उसके पार्षद स्तर के जितने भी इलेक्शन हो, सभी हमारी पार्टी के लोग फाइट करेंगे। और पहले लोगों को, लीडर्स को ढूंढा जा रहा है अलग अलग राज्यों से। 2019 दिसंबर तक हम 22 राज्यों में अपना प्रसार कर चुके थे, आज हम 25 राज्यों में पहुंच गए हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लीडर्स ड्राइव, लीडरशिप ड्राइव्स आज भी चल रही हैं। अभी पिछले महीने की यदि बात करें, पिछले महीने की, अभी सितंबर मंथ की ही बात करें, अभी 20 दिन भी नहीं पूरे हुए और हमारे पास 40 से 50 लोग जुड़ चुके हैं जिनका पहला बैच ट्रेनिंग का शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आने वाले हर लीडर को, हर नेता को एक साल की ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है। हमारे यहाँ वन वे वन टाइम एंट्री सिस्टम होता है। वन वे वन टाइम एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि आप हमारी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, एक ही बार जुड़ेंगे। यदि आप हमारी पार्टी को छोड़ के बाद में चले जाते हैं किसी भी कारणवश, या तो आपको निकाल दिया जाता है, तो दोबारा लाइफ टाइम आपकी एंट्री हमारी पार्टी के अंदर नहीं होती। और ट्रेनिंग मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ ट्रेंड लीडर्स आएंगे, सभी को राजनीति की बारीकियां सिखाई जाएंगी अलग अलग लेवल की,
चार अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है। हम लोग लकी रहे क्योंकि हम 2-2.5 साल पहले शुरू हो गए थे, तो हमने तो 12-12, 13-13 लेवल की ट्रेनिंग ली है। चूंकि हमारे पास समय अब कम है, दिसंबर 2022 तक का टारगेट है, देश भर से 543 सीट्स के ऊपर हमने कैंडिडेट्स फील्ड करने हैं, और जिस दिन हमने ये कैंडिडेट्स फील्ड किए लोकसभा इलेक्शन में, सबसे पहला विश्व रिकॉर्ड तो उसी दिन बनने वाला है, क्योंकि अभी तक के जो सबसे बड़े राजनीतिक दल भारत के अंदर है, कांग्रेस और भाजपा, इन्होंने भी आज तक पूरी की पूरी 543 सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट्स फील्ड नहीं किए थे। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो उसी दिन और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो उसी दिन बनने वाला है, क्योंकि इस समय 200 से 300 लीडर्स हमारे तैयार हो चुके हैं। दिसंबर 2022 तक अलग अलग लीडर्स को ढूंढा जा रहा है, उनको ट्रेन किया जाएगा, और फिर 2022 के बाद उनको मैदान में उतार दिया जाएगा, और पैरेलली बीच में भी उतार दिया जाता है। आपको अपने क्षेत्रों में जाना है, जनाधार बनाना, बीच में अपनी पार्टी की विचारधारा को प्रसार करना है, प्रचार करना है। तो इस तरीके से चुने हुए लोग, ट्रेन लोग जब आएंगे, और जिनका ध्येय, जिनका लक्ष्य एक ही होगा। और इसकी खूबसूरती आपको एक और बताता हूं, हमारी पार्टी के अंदर एक नियम और भी है, एक सीट के ऊपर एक कैंडिडेट तैयार नहीं किया जा रहा, एक सीट के लिए 10-10 दावेदार तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े राजनीतिक दल है ना जो खरीद फरोख्त करते हैं, और मीडिया ने उनको चाणक्य घोषित कर दिया हुआ है, तो किसी का, और बाहुबल और धनबल और गुंडागर्दी तो आपको सबको पता ही है इनकी, क्या क्या ये नहीं कर जाते। तो इसलिए एक एक सीट के ऊपर 10-10 लोगों को तैयार किया जा रहा है कि बाई चांस किसी भी व्यक्ति, किसी भी कारण से यदि वो लीडर हट भी जाता है, नहीं आ पाता, तो फिर दूसरा खड़ा होगा, फिर दूसरा हटता है, फिर तीसरा होगा। हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होने वाली है, और यही प्रसार और यही मिशन आजकल चल रहा है, इन सबको ट्रेन किया जाएगा, और ये ट्रेन लीडर्स सत्ता परिवर्तन तो करेंगे, ये तो आज आप नोट कर लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और कॉमनर्स आने वाले हैं, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, साधारण सा जीवन जीने वाले लोग आ रहे हैं, जिनको अपने ऊपर यकीन नहीं था, लेकिन पार की नजर गुरु ने पहचाना और उनको तैयार किया जा रहा है, और ये सत्ता परिवर्तन करेंगे, और ये सत्ता परिवर्तन करेंगे तो ये उनके लिए काम करेंगे जिनके बीच में से उठ के आए हैं, ये छद्मवेशी नहीं होंगे, ये झूठ के पुलिंदे बनाने वाले नहीं होंगे, ये मीडिया द्वारा बनाए गए नेता लोग नहीं होंगे। इसलिए ये राजनीतिक क्रांति हम इसे घोषित करते हैं, और कहते हैं कि आम साधारण से दिखने वाले लोग जब आएंगे, गरजेंगे, और फिर जब सदन में पहुंचेंगे तो उन्हीं लोगों के लिए निर्माण करेंगे जिनके बीच में से उठ के आए हैं। इसलिए हम इसे 21वीं सदी की राजनीतिक क्रांति का नाम दे रहे हैं। क्या बात है, मतलब आपकी बातों से ये झलक रहा है, ये जाहिर हो रहा है कि आपकी जो पार्टी के जो रूट्स है, जैसे जड़ है जो, वो बहुत मजबूत है, और शायद उस जड़ की मजबूती की वजह से ही जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं उनमें इतना आत्मविश्वास है, और इतना ज्यादा उनके इरादे इतने मजबूत हैं, क्योंकि पार्टी की जड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ती हूँ, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो आप लोगों ने बनाई है, क्योंकि 2500 पार्टीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे देश में, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तो एक और पार्टी बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, आपने किसी जैसे एनजीओ के तरीके से या किसी और तरीके से ऐसे क्यों नहीं काम किया, तो आपको पार्टी बनाना ही क्यों आवश्यकता लगी पार्टी बनाने की? मैं इसका बता देता हूँ, इसका वैसे तो बड़ा सीधा सा सरल सा आंसर है, यदि कोई समझना चाहे, जो थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ रखता है उसको समझ आ जाती है, कि हमारे देश में ना, हमारे देश की बात करें, हम अभी भारतीय स्तर की ही बात करते हैं, और विश्व के दूसरे देशों में भी जहां पर लोकतंत्र है वहां पर राजनीति सब कुछ डिसाइड करती है, आपका खाना, आपका पीना, आपका रहना, आपका उठना, आपका सोना, आपका जागना, आपका बोलना, आपका देखना, सब राजनीति डिसाइड करती है। जब राजनीति हमारे जीवन के अंदर इतनी गहराई से घुसी हुई है, उसका प्रवेश इतनी गहराई तक हमारे अंदर हुआ पड़ा है, आप नोटिस कर लीजिएगा पिछले 5-6 साल में आपको दिखा भी होगा कि कौन क्या खाएगा यह भी राजनीति तय करती है, कौन क्या पहनेगा यह भी राजनीति तय करती है। जब राजनीति इतना सब कुछ तय कर रही है, और हमारे भारत की तो खूबसूरती बहुत शानदार है ना, यहाँ पर तो हमें विश्व का सबसे सुंदर संविधान प्राप्त है, जो किसी को भी मतलब भारतीय जनता के बीच में से जो भारत का नागरिक है, निचले से निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी ये अधिकार रखता है कि वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है। तो जब ये अधिकार हम सभी को प्राप्त है, तो हम अपने इस अधिकार का पालन क्यों ना करें, हम
अधिकार का पालन करे, अधिकार को ले और उसके साथ फिर कर्तव्य का पालन करे। और कर्तव्य पालन क्या है कि सिर्फ मैं ही मैं ठीक ना रहूं, वो भी सब ठीक बने, वो भी ठीक बने, सभी ठीक हों, सभी सशक्त बने। जब तक एक एक कड़ी, एक एक शख्स इस भारत का मजबूत नहीं बनेगा, हम अंदर से मजबूत नहीं बनेंगे। हम अंदर से मजबूत नहीं बन सकते तो फिर बाहर से मजबूत नहीं बन सकते। और जिस दिन हम अंदर से मजबूत बन गए, उस दिन ये जितने भी राष्ट्र हमसे टूट के निकले थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सबको लीड करेगा, भारत ही लीड करेगा, एक बड़े भाई की तरह लीड करेगा। और वो तभी कर पाएगा जब हम अंदर से मजबूत होंगे। आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जब राजनीति ये सब तय कर रही है कि हम क्या खाएं क्या पिए, तो फिर हम राजनीति का शिकार नहीं बनेंगे। हमारे गुरुजी हमें एक बात और भी सिखाते हैं कि या तो आप राजनीति का शिकार हैं या आप राजनीति का हिस्सा हैं। नो चॉइस इज योर्स कि आपको करना अच्छा। क्या है, राजनीति का हिस्सा बनना है या राजनीति का शिकार बनना है? तो हमें जिस दिन ये बात समझ आई तो हमने कहा कि हम तो शिकार ही बनते आए थे ना आज तक, हमें पता ही नहीं था, तो अब हम राजनीति का हिस्सा बनेंगे। लेकिन राजनीति का हिस्सा बन के हमने करना क्या है? क्या अपने लिए महल खड़े करने हैं? क्या अपने लिए रियासतें बनानी है? नहीं। दर्द होता है, तकलीफ होती है, एक आम जन को हम देखते हैं। और ताजा तरीन उदाहरण है अभी ये कोरोना महामारी जो भारत के अंदर आई, पूरे देश ने देखा था भारत की स्थिति क्या है। महिमा मंडन तो बहुत किया गया मीडिया द्वारा, और हास्यास्पद भी है और विडंबना भी है कि गरीबों की संख्या जो 40 करोड़ हुआ करती थी ना पहले, इस बार मोदी जी ने जो बड़ी बड़ी सौगातें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आके घोषणाएं की थी, 80 करोड़ लोगों को खाने का जो आधारभूत सामान, जो बेसिक नेसेसिटीज है, वो मुहैया कराने के लिए उन्होंने बोला कि 80 करोड़ लोगों को ये दी जाएगी। अब यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 130-135 करोड़ की आबादी वाले देश में कभी 40 करोड़ थे लोग जो निचले पायदान पर थे, आज वो 80 करोड़ के हो चुके हैं। तो जब राजनीति ने ये सब तय करना है तो राजनीति फिर वो लोग क्यों ना करें जिनके लिए ये संविधान रचा गया कि कोई भी जनता में से चुना हुआ लोग आए और जनता के ही प्रतिनिधि जनता के लिए पॉलिसीज बनाए। तो ये करना बहुत जरूरी था, अदरवाइज आप संगठन तो भारत में इस समय कितने सारे होंगे और 2500 से ज्यादा, जैसा आपने बताया, पार्टीज भी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। लेकिन मूल रूप से आप राष्ट्रीय स्तर पर देखते हो तो पार्टियां काउंट कौन सी होती है? इधर कांग्रेस और भाजपा, वैसे तो 6 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, प्राप्त है, जिनमें से बसपा भी आती है, तृणमूल कांग्रेस भी आती है, सीपीआई भी आती है। पर क्या ये पार्टीज राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कहलाती है? दूसरी पार्टियों में इनका जनाधार कितना है, कितनी सीट्स इनको मिलती है? तो पार्टियां सिर्फ 2 ही कहलाती है राष्ट्रीय स्तर की, एक कांग्रेस और दूसरी भाजपा। और हम तो ये भी कह रहे हैं, हम तो इनको पढ़ रहे हैं ना, हमने भी बताया था आपको, गुरुजी भी हमें सिखाते हैं कि जब तक आप इतिहास पढ़ोगे नहीं तो इतिहास बदल नहीं सकते। तो इतिहास हमने पढ़ा और अंदर की इनकी बारीकियां भी देखी, ये दोनों एक ही है, इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। इधर से देखोगे तो कांग्रेस है, इधर से देखोगे तो भाजपा है, ये दोनों एक ही है। और हम आज क्लेम कर रहे हैं, ये आप नोट कीजिएगा, 2024 का इलेक्शन वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस एंड अदर्स होने जा रहा है। और हम आज क्लेम कर रहे हैं, आप नोट करके रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ इस बात को, बोल्ड लेटर्स में लिख लेना कि सुनील शर्मा भारतीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने 17 सितंबर के बाद, 18 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन के बाद ये बात की थी कि 2024 के इलेक्शन से पहले ये भाजपा और कांग्रेस दोनों गठबंधन करेंगे। और इनको डर है क्योंकि अब इनकी सत्ता जाने वाली है, आम आदमी जाग चुका है, हमारे जैसे लाखों लाख जो जाग चुके हैं, और परिवर्तन तो अब आके रहेगा। और परिवर्तन लाने के लिए सदन में पहुंचना जरूरी है, सदन में पहुंचने के लिए लोगों के बीच में से, चुनाव में से गुजरना जरूरी है, इसलिए पार्टी का बनना भी जरूरी है, इसलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी की गठन किया गया। उम्मीद करता हूं आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जी, उनका जवाब तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में मिल गया है। और आपने भाई इतनी बार बोल दिया है कि बोल्ड लेटर्स में मेरे को लिख लेना चाहिए और बड़े बड़े शब्दों में मेरे को लिख लेना चाहिए, तो जी तो मैंने ये सारे शब्द और वो जो लिख लिए हैं अपने दिल में और दिमाग में, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो और अखंड भारत का जो ये सपना लेकर आपकी पार्टी और आप चल रहे हैं इसमें आप जरूर सफल हो। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सुनील जी, मेरे से मैं अगला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो स्थापित पार्टियां हैं वो बहुत मजबूत पार्टियां हैं और
जितनी भी भारत की जो जनता है वो अगर जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं या राजनीति की बात करते हैं तो हमेशा इन दो पार्टियों का ही नाम जैसे आपने बताया वो सामने आता है, नजर में आता है। तो आप इतनी बड़ी स्थापित जो पार्टियां हैं इनसे कैसे मुकाबला करेंगे आप इसमें? हाँ, क्या ये, मतलब आप ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत रोचक भी है और हमसे अक्सर पूछा भी जाता है। हम जब अपने डे टू डे लाइफ में अपने बिजनेस पार्टनर्स या हमारे जो क्लाइंट्स हैं या हम अपने जिन भी लोगों से बातचीत करते हैं, सवाल अक्सर हमारे सामने आता रहता है और इसका भी जवाब हम देते हैं। अब फिर से देता हूं और समझिएगा और समझाइएगा भी कि ऑब्वियसली जब क्रांति होती है तो क्रांति को चलाने के लिए अर्थ यानी धन की भी आवश्यकता होती है। जब हमारे क्रांतिवीरों को जब धन की आवश्यकता थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, ये जब क्रांति कर रहे थे, क्रांतिवीर, इनको भी धन की आवश्यकता होती थी, तो ये लोग क्या करते थे? काकोरी ट्रेन डकैती था तो पैसा देश का ही, लेकिन था वो एक तरफ सरकार के पास, उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, तो उनको उसको लेना पड़ा और वो गलत भी नहीं था क्योंकि आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं हमें प्राप्त है और वो ये कहते हैं कि जब आप अच्छा मैं इससे पहले ना एक बात और बोलता हूँ कि ये भी आचार्य चाणक्य की शिक्षा है कि माफी चाहूंगा बीच में होल्ड करूंगा, इसकी बैटरी डाउन है फोन की तो इसको लगाना पड़ेगा मुझे चार्जिंग पर। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बीच में कहीं ब्रेक ना हो जाए तो मैं इसके अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि धन की आवश्यकता तो बट ऑब्वियस है रहेगी और धन चाहिएगा तो हम क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। हम जनता के बीच में से आए हुए लोग हैं, जनता को अपना मिशन अपना बताने वाले हैं, अपनी विचारधारा, और ये बताने वाले हैं कि ये सब काम लोगों के लिए ही, जनता के लिए ही होने वाला है। तो जब जनता को ये पता लगेगा कि उन्हीं के लिए काम हो रहा है तो जनता स्वयं आगे आती है, स्वयं ही पैसा देना शुरू कर देती है। उनको सिर्फ समझ आना चाहिए कि उन्हीं के लिए काम हो रहा है और ये देखा भी गया अकेले जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो जनता ने बढ़ चढ़ कर अपनी तरफ से योगदान दिया था। ये क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को समझाएंगे, अभी भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। और पैसा यदि हम लेना चाहे जैसे दूसरी पार्टीज लेती हैं तो हमारे पास भी ऑफर्स रहती हैं। आज किसी से 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का ना फंडिंग आना कोई मामूली बात, कोई बहुत बड़ी बात आज हमारे लिए नहीं है, हमारे पास ऑफर्स भी है। लेकिन होगा क्या, यदि जिनसे पैसा लिया जाएगा तो फिर उन्हीं के हितों की पूर्ति करानी पड़ेगी ना, जैसा कि आज मौजूदा सरकार कर रही है। ये देखे गिने चुने दो चार राजनीति बड़े बड़े धनाढ़े हैं, उनके घराने, उन्हीं के लिए सारी पॉलिसीज बनाई जा रही है, यानी जिसका पैसा लिया होगा उसी के लिए काम किया जाएगा। तो हम जनता के बीच में जाने वाले हैं, जनता से पैसा मांगा जाएगा, जनता के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि जिसका आप पैसा लोगे उसके प्रति आपकी जवाबदेही भी होती है। तो हम जनता से ही पैसा मांगेंगे, जनता के लिए ही काम करेंगे, तो पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। और रही बात कि हम इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे, इनका मुकाबला करने के लिए चाहिए क्या जज्बा? वो लोग जज्बा हमारे अंदर भरपूर है क्योंकि भगत सिंह जैसी महान आत्माओं की हल्की हल्की झलक, हल्की हल्की लौ हम सभी के अंदर व्याप्त है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी भी लौ हम सब के अंदर व्याप्त है। हमारे अंदर गांधी जी भी हैं, लेकिन हमारे अंदर चंद्रशेखर आजाद भी हैं, हमारे अंदर भगत सिंह भी हैं, हमारे अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं, हमारे अंदर रानी लक्ष्मीबाई भी हैं। तो ये जज्बा हमें जिताएगा और लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और लोगों के साथ ही होने वाला है काम, लोगों के लिए ही काम हो रहा है, तो हम तो आश्वस्त हैं। और हमारे पास अभी कुछ रणनीतियां ऐसी भी हैं जो समय आने पर ही उजागर की जाएंगी, बढ़ चढ़ के वोट मिलने वाला है हमें। अगले प्रश्न पर आते हैं। आई थिंक कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो सुनील जी, जैसे आपने जो क्राउड फंडिंग की बात की और जो आपने अपने लाभ की बात की, तो बहुत खूबसूरत बात है और सही बात ये आपने जो बात कही कि अगर आप जनता से अगर पैसा लेते हैं तो आप जनता को ही जवाबदेह होंगे। तो ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं आपकी पार्टी के, ये उम्दा हैं और मैं आपको बार बार शुभकामनाएं दे रही हूँ। लेकिन अभी मैं आपसे
क्योंकि समय कम है तो मैं आपसे फटाफट अपना अगला सवाल करती हूँ कि आखिर भारतीय परिवार पार्टी क्या का जो फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। आज उत्तराखंड में भी किसकी सरकार है भाई, पता करो, हमें तो पता है, आप पता कीजिए। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया रंजन जी, जी आपकी आवाज सुन नहीं पाया मैं। हाँ अब सुन पा रहा हूँ, बताएं बताएं। जी की अखिल भारतीय परिवार पार्टी का जो संदेश है वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एवं शोषित वर्ग के लिए क्या है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो युवाओं के लिए मैं बात बता देता हूँ कि युवा वर्ग इस समय मोदी जी से बहुत ज्यादा सख्त नाराज है। मोदी जी से क्या, क्योंकि मोदी सरकार चल रही है, मोदी 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 जी ने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि आप वोट डालेंगे भाजपा को सीधा वोट मुझे मिलेगा। उन्होंने हर बार मुझे मुझे मैं करते रहे हैं, और यही वो युवा है जिन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार मोदी जी को जिताया था। और युवाओं के लिए संदेश कि आपने बना दिया ना इनको, पर हतोत्साहित ना उम्मीद होने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा उठिए, दोबारा से जुड़िए, खड़े हो जाइए और हमारे साथ जुड़िए, आपकी आवाज है हम। कल हम लोगों ने इंडिया गेट पर इनके बेरोजगारी दिवस जो मनाया गया पूरे भारत में, और भारत में नहीं भारत के बाहर से अन्य देशों से भी हमें ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर बेरोजगारी दिवस मोदी जी के जन्म दिवस के रूप में, मतलब मोदी जी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो युवा वर्ग बहुत खासा नाराज है। युवाओं से हम आह्वान करते हैं कि आप राजनीति के शिकार बने रहे हैं, राजनीति का हिस्सा बनिए। क्या करेंगे बार बार जाके नौकरियों में और इनके मंत्रियों के पीछे लगने का, इनके लिए जयकारे जय जयकार करने का, जो बाद में आपको देखते नहीं है, और आपके लिए ना ये नौकरियां दे रहे हैं और ना ये नौकरियों के अवसर दे रहे हैं। तो आप स्वयं राजनीति में आइए, हमारे साथ जुड़िए। हमारे पास तो हमने पहले भी आपको बताया था कि हर स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पार्टी में जुड़ने के 2-3 अलग अलग स्तर हैं, मैं वो भी साथ में क्लियर कर देता हूँ और फिर मैं संदेश पर भी आता हूँ, जल्दी से खत्म करेंगे। कि हमारी पार्टी में जुड़ने के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले साधारण सदस्य होता है जो कि 10 रुपए की सदस्यता शुल्क होती है, 3 साल के लिए पार्टी का वो साधारण सदस्य बन जाता है। और उसको साधारण सदस्य बनते ही हम 2 फाइनेंशियल ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करते हैं और वो उसके जीवन में एक बदलाव लेके आती है। फिर यदि उसके अंदर कुछ और प्रतिभा है, वो कुछ और आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको सक्रिय सदस्य बनाया जाता है। सक्रिय सदस्य को थोड़ी सी जिम्मेदारियां भी दी जाती है। साधारण सदस्य को जिम्मेदारियां नहीं जाती, सिर्फ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, समय समय पर उनको ट्रेनिंग मिलती रहती है। सक्रिय सदस्य पार्टी का विस्तार भी करता है, पार्टी का प्रचार भी करता है, पार्टी का प्रसार भी करता है, और उसको कुछ और ट्रेनिंग मिलती है और उसके लिए उसको मासिक शुल्क देना पड़ता है मात्र 100 रुपए महीने का, और 1 साल के लिए उसको शुल्क देना होता है, क्योंकि पार्टी हमारे जैसे लोगों से ही चल रही है, तो हम ही जैसे लोगों को फंडिंग करनी पड़ती है, पार्टी के खर्चे भी बहुत होते हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा 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 करके हम सभी से शुल्क इकट्ठा करते हैं और पार्टी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। तो सक्रिय सदस्य के बाद फिर आती है बात पदाधिकारी की या लोकसभा प्रभारी यानी लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए जो आगे कैंडिडेट्स आएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ना है, उनकी कुछ खास किस्म की ट्रेनिंग होती है और उनको उस 1 साल की ट्रेनिंग के माध्यम से गुजरना पड़ता है, और उससे आने से पहले भी उनका इंटरव्यू और ऑडिशन होता है। आजकल टेलीफोनिक इंटरव्यूज हो रहे हैं, 3 अलग अलग लेवल के इंटरव्यूज होते हैं। फिर उसके बाद उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि उनकी मानसिक दशा को चेक किया जा सके कि मानसिक रूप से कितने सक्षम है, कितने स्थिर है, और यदि वो उसे भी पास कर लेते हैं तो फिर वो 1 साल की ट्रेनिंग के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, और उनको 4 अलग अलग स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उनका सिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले उनको इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन की बारीकियां सिखाई जाती है, और फिर उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति को और अच्छे से सुदृढ़ कैसे बनाया जाए ताकि जब वो राजनीति में पूर्ण रूपेण आ चुके हो, अपना पदार्पण कर चुके हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी घर की स्थिति खराब ना हो, वो सुचारू रूप से चलती रहे। फिर उसके बाद उनको जनता के बीच में जाके स्पीचेस कैसे देनी है, जनता के साथ अपना संवाद कैसे स्थापित करना है, इस प्रकार की अन्य बारीकी है जो सिखाई जाती है, और मुद्दे कैसे उठाने चाहिए लोगों के लिए। फिर इन अलग अलग स्तर की मैं बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग रहती है, तो वो पदाधिकारियों को या जो भी हमारे लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगे कैंडिडेट्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब मैं आता हूँ वापस उस सवाल के ऊपर कि युवाओं के लिए संदेश, युवाओं के लिए संदेश यही है कि समय तो खराब है, देश की स्थिति तो भयावह होती जा रही है, ना उम्मीद नहीं होना है, मायूस भी नहीं होना है, कमर कसनी है, स्वयं मैदान में आना है, क्योंकि जिनसे आपने अपेक्षा की थी, जिनसे आपने उम्मीदें की थी, यदि आपकी उम्मीदें और आपकी अपेक्षाएं उनसे टूट गई हैं तो आगे बढ़िए, क्योंकि यदि आगे
नहीं बढ़ेंगे तो जीतन राम मांझी जैसे लोग भी पैदा नहीं होंगे। जब जीतन राम मांझी ने वो इतना बड़ा मिशन उठाया था तो उनको भी पागल कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी थी और अपने लक्ष्य की तरफ वो बढ़ते ही रहे थे। अब आता हूं महिलाओं के ऊपर। महिलाओं के लिए भी हमारी पार्टी ने एक विशेष प्रावधान रखा है कि हम कम से कम 33% और मैक्सिमम 50% का उनके लिए रिजर्वेशन रखेंगे, आरक्षण रखेंगे कि महिलाएं आगे आए, क्योंकि जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि देश में लगभग 50% की आबादी महिलाओं की है और महिलाओं की दशा और दिशा तब तक नहीं सुधरेगी जब तक ये स्वयं आगे नहीं आएंगी और इनका जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, इनका आगे आना का रास्ता साफ नहीं होगा, तब तक इनके लिए पॉलिसीज भी नहीं बनेंगी। मौजूदा सरकारें जितनी भी आ सक रही है, 73 वर्षों की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो या मिलीजुली सरकारें रही हो, इन्होंने महिलाओं के हित के लिए काम ज्यादा किए ही नहीं, दिखावा किया और महिलाओं की दिशा और दिशा आप देख भी रहे हैं कैसी है, और उस दिशा को सुधारने के लिए ही हमने 33% कम से कम और अधिक मैक्सिमम 50% तक का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा है। और महिलाओं के बाद शोषित वर्ग के लिए भी हम लोग काम कर ही रहे हैं। उनके लिए भी संदेश ये है कि जवाब मांगिए सत्ता से। अल्पकालिक यानी लघुकालिक छोटे से फायदे के लिए जो नेतागण आपको देते हैं ना इलेक्शन के समय पे, छोटे छोटे फ्री गिफ्ट दे दिया आपको, मुफ्त का दे दिया, लालच दिया जाता है आपको, और फिर 5 साल तक आपका दोहन किया जाता है और फिर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपका शोषण भी होता रहता है। आवाज उठाइए, अधिकार आपका भी है इस धरती, इस भारत की धरती के ऊपर, भारत के संसाधनों पर सभी का बराबर अधिकार है और ये अधिकार हमें संविधान देता है। आवाज उठाइए, यदि आप आवाज नहीं उठा सकते, आपके अंदर जज्बा नहीं है, तो जो व्यक्ति आपके लिए आवाज उठा रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है। उसकी ताकत बनिए, जब आप उसकी ताकत बनेंगे तो वो आपकी ताकत बनेगा। उनके लिए भी यही संदेश है मेरा। आपकी आवाज सुन नहीं पाया मैं। जब इलेक्शन रिजल्ट आया था ना 2019 में, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उससे ठीक अगले दिन हमने 22 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां जहां हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बन चुकी हैं। दिल्ली में भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमोल मडामी जी की अगुवाई में, और हमने चुनी हुई सरकारों को आगाह कर दिया था कि आपके पास 5 वर्ष का समय है, ढंग के काम कर लीजिए। और गाहे बगाहे मैं तो मोदी जी को बोलता भी रहता हूं अपने संदेशों में, उन तक पहुंचता भी है कि आप ढंग के काम करिए, ढोंग के काम करना बंद कर दीजिए, समय रिश्ता जा रहा है आपके पास से, जनता जागृत हो गई है, जनता आ रही है, हम आ रहे हैं, इसलिए हम कहते रहते हैं ना कि आ रहे हैं हम, छा रहे हैं हम, क्योंकि दिनों दिन लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मौजूदा सभी राजनीतिक पार्टियों को मैं आगाह कर रहा हूं कि जनता को निरीह समझने की भूल जो आपने आज तक की है, इस भूल का सुधार कर लीजिए। ये जनता है, जब सर पे चढ़ाती है तो भगवान बनाती है, और जब गिराती है तो इतिहास उठा के देखिएगा हिटलर का क्या हाल हुआ था, इटली में मुसोलिनी का क्या हाल हुआ था। लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों के लिए चुनी हुई सरकार है, लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार है, लोगों के भले के लिए काम कीजिए, लोगों के भले के लिए काम कीजिए, चंद लोगों के भले के लिए काम ना कीजिए। उनके लिए संदेश यही है, अभी भी समय है, जनता के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, वरना जनता सबक सिखाएगी आपको, सत्ता परिवर्तन तो होके रहेगा। आपकी आवाज फिर से गायब। हेलो जी, रजनीश जी, सुन नहीं पा रहा मैं आपको। सुनील जी, आपको नहीं सुन पा रहा मैं। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज?
अब क्लियर है। तो मैं ये कह रही थी कि आपने अपना संदेश तो दे दिया है जनता को भी, और जितने सारे लोग जो देख रहे हैं वो उन सब तक आपका जो मैसेज है वो पहुंच गया है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और कहना चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य जरूर कामयाब हो। आपकी आधी बधाई आधा संदेश मैंने ले लिया रजनी जी, और मुझे लग रहा है नेटवर्क कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं आपकी आधी बातों को सुन ही नहीं पा रहा हूं। हेलो, तो दोस्तों भारतवासियों, मैं अपनी तरफ से आपसे अलविदा लेता हूं, और मुझे जितने भी लोग भारतवासी देख रहे हैं, मैं आप ही लोगों के बीच में से उठ के आया हूं, एक साधारण सा व्यक्ति हूं। यदि मुझ जैसा व्यक्ति भी आगे आ सकता है तो आपका आह्वान करता हूं, आप लोग हमसे जुड़िए। आप आगे नहीं बढ़ सकते तो हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे, हमारे साथ जुड़िए। और रोज जुड़ रहे हैं लोग, और इस राजनीतिक क्रांति का हिस्सा बनिए, क्योंकि इतिहास में आपने पढ़ लिया, और कभी कभी आपके अंदर यह भाव, ये जज्बा जरूर उठता होगा कि यदि मैं उस समय होता तो मैं अभी देश के लिए कुछ करता। तो इतिहास ने दोबारा मौका दिया है आपको, आप आगे आइए, इस क्रांति का हिस्सा बनिए। और ये क्रांति, मैं फिर से बोल रहा हूं, 2023 अंत आते आते पूरे विश्व में इसकी धमक सुनाई देने वाली है, और उस समय अफसोस होगा उन लोगों को जो हमारे साथ आए थे, चले गए अपने किसी स्वार्थ की वजह से, अपने किसी निजी हित की वजह से, या उनको हमारी बात अभी समझ नहीं आई। तो नहीं समझ आई तो गलती सुधारी जा सकती है, और नहीं आपको आना तो आप रहिए, जय जयकार करते रहिए उन नेताओं की जिनको, जिनका लक्ष्य ही आपका शोषण करना और आपका दोहन करना है। तो मैं आज अपनी बातों से विराम लेता हूं, क्योंकि नेटवर्क का इशू भी बहुत ज्यादा चल रहा है, और दोबारा जल्दी आपसे अपने पर मुलाकात करूंगा। जय हिंद।